रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 8 सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के मुतालिक ये क्या खास बातें फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत ने मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के दीन में सबसे सख्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा सच्ची हया वाले उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा बेहतर फैसला करने वाले अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के ज्यादा आलिम अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हलाल व हराम का ज्यादा इलम रखने वाले मास बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इलम मिरास तकसीमी जायदाद के ज्यादा माहिर जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है।